पीडीएस दुकान संचालकों की हड़ताल जारी है, जहां राशन कार्ड हितग्राही परेशान हो रहे हैं। बता दें कि उचित मूल्य के दुकान संचालक 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे बीपीएल कार्ड धारकों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। जहां जिला खाद्य अधिकारी के आदेश के बावजूद संचालक दुकान नहीं खोल रहे हैं, वहीं देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उचित मूल्य दुकान संचालकों अथवा जो भी अध्यक्ष या उनके संघ की तरफ से कोई विधिवत लेटर हमारे पास शासन प्रशासन के पास नहीं आया है, लेकिन अन्य माध्यमों से जो सूचना मिली थी कि 1 से 5 तक के ये लोग हड़ताल में रहेंगे, दुकान बंद करेंगे, इस संबंध में जैसे ही सूचना मिली मेरे को, तो मैंने सर्व संचालक के नाम से पत्र जारी किया है कि ये अति आवश्यक कार्य है और शासन के निर्देशानुसार उनको खोले जाना है और सभी हितग्राहियों को वितरण करना है चावल का, खाद्यान्न का। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है किसी प्रकार का, तो उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राशन जो विक्रेता है, जो संचालक हैं, उनके जो स्ट्राइक की बात है, इन सब बातों को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है और सारे बिंदुओं पे हमारे लोगों को जो लाभार्थी हैं, हमारे जो उसके उपभोक्ता हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इसके ऊपर कई बिंदुओं पर बात हुई और उसका समाधान और उसका निराकरण निकला। उसके ऊपर में माननीय हमारे जो खाद्य आयोग के अध्यक्ष थे, कलेक्टर साहब को दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत उनको नोटिस जारी करें और जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, जो भी उचित न्यायसंगत कार्रवाई है, उनके ऊपर करें।